द मिलियनेयर ड्रॉप आउट बाय विंस चांजियोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम सभी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ऑथर जब यूनाइटेड किंगडम गए थे तो उनके पास बहुत कम पैसे थे। उनको पता था कि उनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल करना है। उन्होंने सबसे पहले वहां हेयर ड्रेसर का काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने ट्रेडिंग का काम भी शुरू कर लिया था, लेकिन 1987 में फाइनेंशियल क्रैश ने सब खराब कर दिया। इतनी खराब सिचुएशन के बाद भी ऑथर ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेल ऑर्डर मॉडल की हेल्प से फिर से बिजनेस शुरू किया। आज वो काफी सक्सेसफुल है। उनकी लाइफ किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ के दौरान बहुत से लेसन सीखे और इस बुक में वो उन्हीं लेसन को शेयर कर रहे हैं। उनका मानना है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। इस समरी में हम जानेंगे कि किस तरह हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं, आखिर क्यों मेल ऑर्डर वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस मॉडल है और आप अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या अभी जिस तरह से आपकी लाइफ चल रही है उससे आप पूरी तरह से सैटिस्फाइड हैं? क्या आप अपनी जॉब से संतुष्ट हैं? अगर इन दोनों सवालों के लिए आपका जवाब हाँ है तो फिर तो आपकी लाइफ में शायद ही कोई प्रॉब्लम्स हो। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल आपकी जैसी प्रॉब्लम्स के साथ लाइफ जी रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सब अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लाइफस्टाइल में चेंज लाने में काफी टाइम लगता है और काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। हम सभी लोग अपनी लाइफ के 20 से 30 साल फालतू चीजें जैसे कि ड्रिंकिंग, ओवर स्पेंडिंग में खर्च कर देते हैं और बाद में हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी भी आप इन सब चीजों को चेंज कर सकते हैं, बस आपको अपना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे। आपने एक बॉलीवुड सॉन्ग तो सुना होगा जिसके लिरिक्स हैं, थोड़ा 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 करके बहुत दूर जाना है। बिल्कुल इसी तरह इस प्रोसेस में भी आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन मतलब आपको अपना डेली बोरिंग रूटीन छोड़ना पड़ेगा। सच्चाई तो यही है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ कंफर्ट जोन में ही स्पेंड कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपने पुराने ड्रीम्स को भूल चुके होते हैं या फिर गिव अप कर चुके होते हैं। उन लोगों में इस बात की बिल्कुल होप नहीं होती कि अब वो लोग अपनी लाइफ में कुछ शानदार काम कर सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि ज्यादातर लोग 25 साल की एज में ही मर जाते हैं, बस हम सभी उनको 70 साल तक दफनाते नहीं है। ये कहावत उन्होंने ऐसे लोगों के लिए ही की थी जो अपनी लाइफ कंफर्ट जोन में बिताते हैं। आज ही आपको ये समझना होगा कि आपको ये जो लाइफ मिली है उसको किसी प्रोडक्टिव काम करने में इन्वेस्ट करिए। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है तो आप कभी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लोग अपने दुख का ब्लेम हर तरह की चीजों को देते हैं, लेकिन वही लोग कभी शांति से बैठकर ये नहीं सोचते कि आखिर लाइफ से उनको क्या चाहिए। ये तो वही बात है कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी में गए और वहां उनसे कहने लगे कि मुझे किसी अच्छी जगह जाना है जो कि काफी मुश्किल है, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी वाले को क्या पता आपको कौन सी जगह पसंद आएगी। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करें, मतलब कि आप सबसे पहले ये सोचें कि आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सोचिए कि ऑथर खुद आपके गेट पर आके बोलते हैं कि आज से मैं आपकी किसी एक चीज का जिम्मा उठाऊंगा। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? सिंपल है, आपके दिमाग में आएगा कि क्यों ना ऑथर से कुछ महंगी चीज जैसे कि घर या फिर रोलेक्स वॉच मांग ली जाए, या फिर क्यों ना उनसे अपने फाइनेंशियल बिल्स भरवा लिया जाए। कोशिश करिए अपने गोल्स को पॉजिटिव और रियलिस्टिक रखने की। अगर अभी आपकी इनकम 40,000 है तो सोचिए किस तरह से उसको आप 1,00,000 तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके गोल रियलिस्टिक नहीं होंगे तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि चीजों को मैनेज कैसे करना है। तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह अपनी लाइफ गोल्स डिसाइड करने हैं। अब आगे हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी विश को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं।
लाइफ में खराब डिसीजन और फेलियर ही हमें सक्सेस की तरफ गाइड करते हैं। हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो अच्छी हों या फिर बुरी, उन सब के पीछे हमारे द्वारा लिए गए डिसीजन ही होते हैं। हमारे हर डिसीजन का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर होता है। बात करते हैं बेन फ्रैंकलिन मेथड की। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आपको जॉब मुंबई में मिल गई। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जॉब आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, तो इसके लिए आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें एक साइड जॉब से मिलने वाले फायदे नोट डाउन करिए और दूसरी साइड जॉब के लिए मुंबई शिफ्ट होने से होने वाले नुकसान नोट डाउन करिए। उसके बाद देखिए कि ज्यादा पॉइंट किस तरफ है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लें। क्या आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जब आपको दो चीजों में से एक को सिलेक्ट करना हो? सब कुछ हो जाने के बाद आपको ये रियलाइज हो कि आपके माइंड में शुरू से ही वही चीज चल रही थी जो सही थी। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक कॉइन हवा में फेंकिए और जिन दो चीजों को लेकर आपके मन में डाउट है उनको एक एक साइड दे दीजिए कि अगर हेड आया तो फर्स्ट चीज सिलेक्ट करूंगा और अगर टेल आया तो सेकेंड। जब कॉइन ऊपर जाएगा उस टाइम आपके मन में जो आएगा वही आपका आंसर होगा और आपको वही सिलेक्ट करना है। डिसीजन लेने के बाद आपको उस पर वर्क करना होता है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि कई बार हम रिजल्ट के बारे में सोचकर डर जाते हैं और फेल होने का डर सबसे बड़ा होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि सक्सेस आपके पास खुद चलकर नहीं आएगी, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। एडिसन आपको याद होंगे, ये वही इंसान है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। लेकिन क्या आपको पता है बल्ब का आविष्कार करने से पहले वो 10,000 बार फेल हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि उन्होंने 10,000 तरीके ऐसे ढूंढे हैं जिनकी हेल्प से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अगर आप भी एडिसन के जैसी थिंकिंग रखने लगेंगे तो आपको एहसास होगा कि फेल होना तो सक्सेस की तरफ आपका पहला स्टेप होता है। दुनिया में लगातार चेंजेस हो रहे हैं और इस चेंज होती दुनिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अमेरिका के बिलियनर जॉन पॉल गेटी का मानना ये था कि कोई भी व्यक्ति कभी दूसरे के लिए वर्क करके अमीर नहीं बन सकता। वैसे तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं वहां पे भी आप अपने लिए ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपके एफर्ट का ज्यादा प्रॉफिट आपकी कंपनी और उस कंपनी के बॉस को होता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि अब आपको 9 to 5 वाली जॉब छोड़कर अपने आप कुछ इनोवेटिव करना चाहिए। पिछले कुछ टाइम में वर्ल्ड में काफी चेंजेस हुए हैं। अब बात पहले जैसी नहीं रही जब आप पूरी लाइफ जॉब करते थे और फिर रिटायर हो जाते थे। आजकल तो हर कंपनी में वर्क करने के लिए अलग अलग तरह की स्किल्स की जरूरत होती है और ज्यादातर कंपनी अच्छे क्वालिफाइड लोगों को ही हायर करती है। और अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो वहां पर प्रमोशन के लिए मारामारी होती है। आजकल जमाना है एंटरप्रेन्योरशिप का। काफी साल पहले भी ये हुआ करता था, लोग खुद ही अपनी अर्निंग का सोर्स जनरेट करते थे। पहले के टाइम में जैसे कुछ लोग अपने ही घर में अलग अलग तरह की चीजें बनाया करते थे और फिर उनको सेल करके पैसे अर्न करते थे। आज भी वही टाइम आ चुका है और इस सब के पीछे एक मेन वजह है, ग्लोबलाइजेशन। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे। वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस मॉडल है मेल ऑर्डर। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप अपनी जॉब छोड़कर कुछ नया और कुछ अलग करने के लिए रेडी हैं। अगर हाँ तो पहले आपको खुद से कुछ सवाल करने होंगे। क्या आप अपनी जॉब से खुश हैं? क्या आपकी सैलरी आपको सेटिस्फैक्शन देती है? क्या आप तब भी ये जॉब कर पाएंगे जब आपको पैसे की नीड नहीं होगी? अगर आपका जवाब ना है तो आपको अपनी जॉब छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी इसी जॉब में फंसे रहेंगे तो बर्न आउट हो जाएंगे। तो फिर आपको स्टार्ट कैसे करना है? ये सही टाइम है कि आप मेल ऑर्डर ई कॉमर्स के बारे में जाने। ऑथर के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है और इसी मॉडल की वजह से ऑथर भी बिलियनर बने। मेल ऑर्डर का मतलब होता है अपने उन कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करना जिनको आपकी प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है और वो आप तक किसी एड या फिर किसी ब्लॉग की हेल्प से आए हैं। अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो फिर वो फोन की हेल्प से या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेल क्या करना है। इस मॉडल का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि ये सस्ता है।
बहुत सारे बिजनेस इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लॉस में चले जाते हैं और उनके ऊपर काफी उधार हो जाता है। उन्हें अपने स्टाफ को भी करना होता है, अलग अलग तरह की पेमेंट करनी होती है, लेकिन मेल ऑर्डर मॉडल में इतना खर्च नहीं है। आपको ऑफिस तक की भी जरूरत नहीं है, आपको बस चाहिए एक वेबसाइट और अपने प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए एक छोटी सी जगह। और सबसे बड़ी बात, सिचुएशन भी आजकल आपके फेवर में है क्योंकि वेबसाइट के जरिए ऑर्डर करना लोगों को सेफ लगता है और इस सब में टाइम भी कम लगता है। घर बैठे बैठे सब कुछ आसानी से हो जाता है और फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग कुरियर सर्विसेज भी हैं, जिसकी हेल्प से आप अपना प्रोडक्ट आसानी से कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। बहुत से बड़े बड़े बिजनेस की शुरुआत मेल ऑर्डर मॉडल की हेल्प से हुई थी। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको सेल क्या करना है। मार्केट रिसर्च करें और अपने टारगेट कस्टमर को पिक करें जिससे आपका प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाए। मार्केटिंग एक्सपर्ट गैरी हीबर्ट एक सिंपल तरीके से अपनी ऑडियंस से पूछते हैं कि अगर उनको एक बर्गर स्टॉल ओपन करना है तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें क्या ढूंढना होगा। हमारी तरह ऑडियंस का जवाब भी यही होता है कि बर्गर स्टॉल के लिए प्राइम लोकेशन, अच्छा कुकिंग मेथड होना चाहिए। ऑडियंस का जवाब सुनने के बाद गैरी ने बताया कि सबसे पहली चीज जो आपको ढूंढनी है वो है कस्टमर जो कि भूखे हो। ये सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि बिल्कुल गैरी ने जो कहा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद हर साल न जाने बिजनेस कितना ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हें गैरी के द्वारा बताई गई ये बात बिल्कुल ध्यान नहीं रहती। तो अगर आप मेल ऑर्डर मॉडल अपना रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मार्केट के बारे में पता होना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप सेल क्या करेंगे। आजकल लोगों की पसंद बहुत जल्दी बदल जाती है, इसीलिए जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को लोगों के अकॉर्डिंग रन करें। जब आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंज लाएंगे तो जरूर सक्सेसफुल होंगे। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप अपने कस्टमर की लिस्ट में सेकेंड या फिर थर्ड नंबर पर हैं तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि ऐसा होने पर रिस्क और अपॉर्चुनिटी क्लियर रहते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तब आता है जब बात आती है अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करने की। हम सभी काफी लकी हैं क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे बहुत से टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, और ज्यादातर टूल्स तो फ्री भी हैं। आपको सबसे पहले गूगल एड्स अकाउंट ओपन करना है और फिर एड सेटअप करना है। फिर आपको कीवर्ड टूल की हेल्प से ये पता करना है कि आजकल लोग इंटरनेट पे सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, और फिर उस चीज को अपने कॉन्टेंट में यूज करके आप गूगल पर अपनी रैंक बेटर कर सकते हैं। जब ऑथर ई बुक लिख रहे थे तो उस टाइम पर गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला वर्ड था गोल्फ स्विंग। इन्फॉर्मेशन एक आइडियल मेल ऑर्डर प्रोडक्ट होती है और इसका प्रोडक्शन काफी सस्ते में हो जाता है। बेस्ट मेल ऑर्डर प्रोडक्ट वही होते हैं जो लाइट वेट हो, जिनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, और सबसे बड़ी बात ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट भी काफी कम लगती है। चलिए फिर से बात करते हैं उन लोगों की जो गोल्फ स्विंग गूगल पर सर्च कर रहे थे। आखिर वो लोग चाहते क्या थे? सिंपल है, वो सभी लोग इन्फॉर्मेशन की तलाश में थे। इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा सेल होने वाली चीज है, और तो और लोग इन्फॉर्मेशन के लिए एक बड़ा अमाउंट भी पे करने के लिए तैयार रहते हैं। ऑथर ने एक बार खुद 4 पेज का डॉक्यूमेंट $65 में सेल किया था, जबकि उसको प्रिंट करने में उनको बस थोड़ी सी इंक और पेपर की जरूरत थी। तो फिर आप किस तरह इन्फॉर्मेशन को सेल करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको अमेजोन पर जाकर चेक करना है कि आजकल कौन सी चीजें ट्रेड कर रही हैं। सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पर लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो है मनी, डाइटिंग, कंप्यूटिंग, कॉस्मेटिक्स और डेटिंग। अब आपको अपना टॉपिक चूज करना है, उसके बाद उस टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं या फिर किसी फ्रीलांसर की हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको गूगल एड सेटअप करने की जरूरत है। मान लीजिए आप इफेक्टिव गैम्बलिंग टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो गूगल एड्स का यूज करके आपको पता चला कि आजकल लोग मेक मनी फ्रॉम हॉर्स रेसिंग कीवर्ड का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली इन्फॉर्मेशन में ये कीवर्ड ऐड करने होंगे। उसके बाद आपको उन लोगों की लिस्ट लेकर रखनी है जिन्होंने सिमिलर प्रोडक्ट खरीदे हैं। आप ऑडियो का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में ये सबसे इफेक्टिव वे है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का।
इसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप खुद ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप किसी को हायर भी कर सकते हैं। पैसे कमाना जितना इम्पोर्टेंट है, सेविंग करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये काफी सिंपल भी है। अभी तक आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि किस तरह से आपको इनकम के नए सोर्स जेनरेट करने हैं, लेकिन एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सेविंग्स। शॉपिंग एक स्किल है जो सबको नहीं आती, इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति की इनकम मात्र 50,000 है वो काफी अच्छे से सब मैनेज कर लेता है, जबकि जिसकी इनकम 1,00,000 है वो उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। जब भी आप कोई चीज खरीदने जाएं तो एक कदम पीछे लेकर ये जरूर सोचें कि क्या आपको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर आपका जवाब यस है तो फिर सोचिए कि क्या आप उस प्रोडक्ट को 2 दिन के लिए रेंट पर लेकर भी अपना काम चला सकते हैं, और अगर आप उसको खरीद लेते हैं तो काम हो जाने के बाद अगर आप उसको सेल करेंगे तो आपको उसकी कितनी वैल्यू मिलेगी। इन सभी सवालों को सही से आंसर करने पर आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है या फिर नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी किसी प्रोडक्ट को खरीदना मजबूरी हो जाता है, तो ऐसे केस में आप यूज्ड प्रोडक्ट के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में रिटेलर नए प्रोडक्ट के रिटर्न में यूज हुआ प्रोडक्ट ले लेते हैं और बाद में उस प्रोडक्ट को 25% डिस्काउंट पर सेल कर देते हैं। लेकिन इन सब जगह पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले उस रिटेलर की रेटिंग चेक कर लें जो आपको प्रोडक्ट सेल करने जा रहा है। कार पर भी इसी तरह आप काफी पैसे सेव कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे रिटेल फर्म्स यूज हो चुकी कार्स सेल करते हैं, और वो भी सभी मॉडल ज्यादा से ज्यादा 6 या फिर 8 महीने पुरानी होती हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने में आपका प्रॉफिट ही है। वैसे अगर आपको कार लेनी ही है तो क्रिसमस के टाइम पर ले, क्योंकि उस टाइम बिजनेस थोड़ा स्लो रहता है और आपको अच्छे प्राइस में कार मिल सकती है। जिस भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में चेंज लाना है उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी इनकम के अलग अलग सोर्स जनरेट करे। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी है कि आप पहले छोटे छोटे स्टेप्स लें। इस बुक में हमें ये जानने को मिला कि किस तरह से हम ये सीख सकते हैं कि हमें लाइफ में बेटर डिसीजन कैसे लेने हैं, साथ साथ अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। क्या करें, स्माइल करें? आपको आज तक ये बात तो समझ आ गई होगी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप मांगेंगे नहीं तो वो आपको कभी नहीं मिलने वाली, और अगर आप एक प्यारी सी स्माइल के साथ किसी चीज को मांगते हैं तो चांस है कि आसानी से वो आपको मिल जाएगी। स्माइलिंग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आप फोन पर भी इसको महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे टेलीमार्केटर्स अपनी डेस्क पर मिरर रखते हैं ताकि ये देख सकें कि वो स्माइल कर रहे हैं या फिर नहीं।